नमस्कार दोस्तों, मैथ ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप पढ़ेंगे बोडमास। मैं आपके लिए बोडमास लेके आया हूँ, उसके बारे में बताऊंगा जो किसी भी छोटे से छोटे एग्जाम में, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, उनमें एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें बोडमास आना चाहिए। और बोडमास में इनका अलग अलग लेटर का क्या मतलब होता है वो हम बताएंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर कोई नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। और कोष्टक तीन तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तीन तरह के ब्रैकेट के ये सिंबल दिखाए हुए हैं। अब उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का इंग्लिश में ऑफ होता है ओ का, और हिंदी में कहते हैं का। डी मतलब डिवाइड, भाग। एम मल्टीप्लीकेशन, गुणा। ए एडिशन, जोड़। एस सब्ट्रैक्शन, घटाओ। तो अगर ब्रैकेट, हमें तीन ब्रैकेट हैं, अगर किसी क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट यूज हो रहे हैं तो पहले हम छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर बीच वाला और फिर बड़ा वाला। और ये नंबर वाइज है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 360 भाग में 36, भाग में 6, भाग में 1, भाग में 5। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लेफ्ट से चलेंगे। लेफ्ट में जैसे 360 है तो उसमें 36 का भाग देंगे, 6 का देंगे, 1 का देंगे, 5 का। तो किसी भी संख्या में भाग देते हैं, उसको गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसको अपॉन में कर देते हैं। जैसे 360 था, उसके भाग में आ जाएगा 36, 6, 1, 5। अब इसको लेफ्ट से राइट करते हैं, जब ये आया अब इसको डिवाइड करेंगे। जैसे 36 से काटेंगे तो 10 बार गया, फिर 6 5 30 हुआ, फिर ये ऐसे काट के आ जाता है 1/3। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, एक भाग में बड़ा ब्रैकेट ओपन, +1 +1 डिवाइड, कर्ली ब्रैकेट, 1 + 1 डिवाइड, छोटा ब्रैकेट ओपन, 1 + 1 डिवाइड, 2 छोटा ब्रैकेट बंद, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसमें तीनों ब्रैकेट यूज हो रहे हैं, तो पहले हम छोटा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जैसे छोटा ब्रैकेट ये दे रखा है, कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से ख़त्म है, तो इसके अंदर का पार्ट सोल्व करेंगे। इसका सोल्व करने के लिए, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो इसके अंदर पहले आ रहा है डिवाइड, तो डिवाइड पहले सोल्व होगा, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 होने के बाद ये ब्रैकेट हट गया पूरा। अब ये पार्ट बच गया है इतना इतना, इसमें 1 + 1, और इसको पूरा के सोल्व किया तो 3/2, और डिवाइड ये डिवाइड। अब इस ब्रैकेट बीच वाले को सोल्व करेंगे, इतना इतना पार्ट को, पहले इतने पार्ट को सोल्व किया, अब इतने पार्ट को करेंगे। इसको करेंगे जब ये डिवाइड है, तो इसको डिवाइड को हटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2/3। 2/3 में 1 जोड़ेंगे तो 5/3 हो जाएगा। 5/3 इस पूरे ब्रैकेट का आ जाता है, तो 1 + 1 ये तो सेम रहेगा और पीछे का भी सेम रहेगा, तो 5/3 ऐसे आ जाता है। अब ये 1 + 1 डिवाइड ये है तो इसको उल्टा हो जाएगा, 3/5, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 7/5, और फिर सात बटे पाँच आ गया, और फिर इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 डिवाइड, ये बार वाला डिवाइड, और 8/3, तो ये आ जाएगा 3/8, ऐसे आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 36 - 2 ये ओपन होता है, छोटा ब्रैकेट, फिर 20 ये ऐसे दे रखा है, तो इसमें पहले क्या देखेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट कहाँ से ओपन हो रहा है, कहाँ से ख़त्म, पहले इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो इस पार्ट को सोल्व करने के लिए, इसके अंदर पहले डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड को सोल्व करेंगे।
डिवाइड किया 12 में 4 का भाग दिया तो 3 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 20 का 20 रहता है सेम, फिर माइनस 4 हो जाएगा और प्लस 10। अब 36 में से 2 घटाया और उसको अब पहले क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, 20 सेम रहेगा मल्टीप्लाई 9 किया फिर माइनस 4 ये। अब 36 में से अभी इसको सॉल्व करना है पूरे को, तो 20 में से 4 घटाएंगे 9 जोड़ेंगे, एक ही बात है जोड़ दे या घटा दे तो आएंगे ये टोटल 25 आएंगे अंदर इस ब्रैकेट के, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 50 और उसमें 10 ऐड किया तो ऐसे आंसर आ गए माइनस 4। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 24 13, और ये ऐसे दे रखा है। तो इसमें पहले मैंने बताया था ब्रैकेट सोल्व करें, तो ब्रैकेट या कौन सा दिया हुआ है बीच वाला ब्रैकेट, तो ये पहले ब्रैकेट सोल्व होगा फिर उसके बाद ऑफ वाली टर्म, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 24 का 24 सेम, फिर 13 है माइनस 5 ऑफ 1/2, ऑफ का मतलब गुणा 10 माइनस, अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 17 में से 2 गए तो 15, और 15 में 45 में 15 का भाग देंगे 3, तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद 3 आ गया। अब 24 का 24 13 माइनस 5, इसको ऐसे डिवाइड हो गया 5 5 25 माइनस 3, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो ऐसे आ जाते। अब एक नेक्स्ट और देखते हैं, 6+ ये दे रखा है, तो इसमें दो ब्रैकेट यूज हो रहे हैं, एक तो छोटा और एक बड़ा, तो पहले छोटे वाले को सॉल्व करेंगे, जैसे 6+ बड़ा तो सेम रहेगा ओपन, 16 में से 4 गया 12 भाग, इसमें से ये घटाया 6 और ये माइनस 2 आ गया, पहले ये छोटा सोल होगा 4 और 2 6 हो जाता है और ये होता है 12, तो 12 में 6 का भाग दिया 2, 6+2 और ये माइनस 2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया 6 आ गया। अब एक नेक्स्ट और है, 93 93+15 भाग में 3 × 4 माइनस 24+8, तो इसको सोल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट में ये ऐड हो रहा है तो ऐड होके आया 108, फिर डिवाइड, अब ये ब्रैकेट सोल्व हुआ तो 12 और ये माइनस 24+8, अब पहले डिवाइड होगा तो डिवाइड हुआ तो ये 9 आया माइनस 24+8, तो ये 9 8 17 में 24 गए माइनस का 7 आ जाता। अब एक नेक्स्ट हो रहा है, 55 / 11 प्लस ओपन ब्रैकेट 18 − 6 क्लोज ब्रैकेट गुणा 9, तो इसमें पहले ब्रैकेट सोल्व होगा और इधर वाला पार्ट भाग है तो भाग हो जाएगा, 5 आया और फिर ये आता है 18 में 6 = 12, उसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 108 + 5 113। थैंक यू दोस्तों।